हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 8 के सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे लॉज ऑफ इंडेक्सेस के बारे में। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग का होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हम उस पर आज बात करेंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में मिलता है, आखिर क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके एक दो इक्वेशन है जो आपको दिमाग में रखना है, देखेंगे हम सबसे चीज। जो मेरा पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन वो है कि इफ ए टू द पावर एम, इफ ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, इफ ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, देन m इज इक्वल टू n। अब हम आपको पहला लेक्चर में ये बताए थे कि कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कब होता है, जब वो बेस और पावर के टर्म में रहता है तो हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो दो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इक्वल है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, a डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो के, a डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए वन, एंड a डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब आप बोलेंगे कि ये ऐसा क्यों होगा, तो आप देखिए ऐसा इसलिए होता है, सपोज आप एक जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो पे पावर टू लिखे और जीरो पे पावर थ्री लिखे सपोज, लेकिन जीरो पे पावर टू का वैल्यू जीरो और जीरो पे पावर थ्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो दोनों का बेस तो सेम है बट पावर कभी भी सेम नहीं होगा, टू डज नॉट इक्वल टू थ्री हो सकता है, तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n हो, यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इक्वल हो, दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि बेस में इस तीनों नंबर नहीं होना चाहिए, तीनों नंबर में से कोई भी ना तो जीरो के बराबर हो a, ना तो वन के इक्वल टू हो और ना ही माइनस वन के इक्वल हो। माइनस वन पे पावर आप सेवन देंगे, इज इक्वल टू माइनस वन पे पावर एट देंगे, दोनों का बेस तो सेम है बट पावर दोनों का इक्वल पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, देखेंगे दोनों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा जिस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो ये है, और सेकंड क्या है, अब हम देख लिए कि दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों का पावर इक्वल हो, इट मींस इफ ए टू द पावर एम इज इक्वल टू बी टू द पावर एम, इफ ए टू द पावर एम इज इक्वल टू बी टू द पावर एम हो, देन क्या होगा, तो इसका दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये कि दोनों का पावर सेम है तो ए बराबर बी होगा, इफ एम इज ऑड, इफ एम इज ऑड। और तीसरा लॉ ये हो जाएगा कि इफ ए टू द पावर एम इज इक्वल टू बी टू द पावर एम है, देन ए इज इक्वल टू आपका होगा प्लस माइनस बी, इफ एम इज इवन। अब आप यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, जब दोनों का बेस सेम रहता था तो पावर इक्वल होता था, बट जब दोनों का पावर सेम है तो बेस इक्वल होने के दो कंडीशन, एक कंडीशन में दोनों का बेस इक्वल है, दूसरा कंडीशन में ए इक्वल टू है प्लस माइनस बी के, कब, तो एम जब इवन है, यहां एम जब ऑड है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप यहां देखेंगे, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल सपोज 7 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x टू द पावर अगर 3 हो, तो दोनों का पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, x इज इक्वल टू आप 7 पुट करेंगे दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट मींस आप यहां देख लीजिए। लेकिन जब सेकंड केस का बात हम करते हैं, अगर 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 हो, तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, तो x का जो वैल्यू होगा 7 होगा लेकिन प्लस माइनस दोनों होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो आप इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। इस इक्वेशन का मतलब है कोई भी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर हो जाए, इट मींस वो जो वैल्यू होगा इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इट मींस वो जो वैल्यू होगा इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप देखेंगे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, पहले 7 टू द पावर 4 डालते हैं, तो चलिए दोनों का बेस सेम पावर सेम ठीक है। अब सेकंड में माइनस 7 पुट करके देखते हैं, तो 7 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या माइनस 7 टू द पावर 4 हो सकता है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7
7, यहाँ माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 7, हम निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इट मीन 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 4 आपका आ गया। आपको हम पहले लेक्चर में भी बता दिए थे कि माइनस ए पे पावर अगर एन हो तो इसका दो वैल्यू होगा, एक ए टू द पावर 1 माइनस ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन तब पॉसिबल है, ए टू द पावर एन तब पॉसिबल है जब आपका एन क्या होगा तो एन इवेन होगा। माइनस ए टू द पावर एन तब पॉसिबल है जब एन आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि पावर जब इवेन हो तो वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा क्या देगा आपका, पॉजिटिव ही देगा। तो यहां पे मात्र ये तीन आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां एक आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ध्यान देंगे। यहां पे सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्वेश्चन को लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 625। अब किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास क्या तरीका है, या तो हम बेस को सेम करेंगे या तो पावर को सेम करेंगे, या तो हम बेस को सेम करेंगे या किसको सेम करेंगे, पावर को सेम करेंगे। अब चलिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन करना होगा। अब 625 का प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टोराइजेशन करना आप जानते हैं, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 टू 7 6 इट मींस 5 से डिविजिबल है। जब 5 से डिविजिबल करेंगे तो 125, फिर 5 से डिविजिबल करेंगे तो 25, फिर 5 से डिविजिबल करेंगे तो 5, इट मींस आपके पास क्या आ गया, 5 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों इक्वेशन में दोनों का बेस सेम है, इट मींस पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट मींस हम लिख सकते हैं यहां पे n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब यहां से आप n का वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया। अब जब आपके पास n का वैल्यू फाइंड हो गया, तो जब n का वैल्यू फाइंड हो गया तब आप क्या करेंगे, अब आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, तो दिया हुआ है n प्लस 3 पे पावर 1/3। अब आप देखेंगे यहां n की जगह कितना है, 3 आपके पास पता चल गया, 3 प्लस 3 पे पावर कितना, 1/3, तो 3 3 6, 6 पे पावर 1/3, इट मींस क्यूब रूट ऑफ 6 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी हम जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पढ़े थे उससे रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन था, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 32/243 पे पावर आपका कितना है, n इज इक्वल टू 8/27। तो सबसे पहले हम इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब n का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 32/243 इस पे पावर आपका क्या जाएगा, n इज इक्वल टू 8/27। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में सॉल्व, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। ये आपका ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज है, इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं 32 है, इट मींस आप लिख सकते हैं इस पे 2 टू द पावर 5, और यहां आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, और इस टोटल का पावर आपका क्या है, n है। इस टोटल का पावर क्या है, n है, इज इक्वल टू, आप इसको अगर देखेंगे तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, आप ध्यान देखेंगे कि a बाई बी, हम आपको बताए थे कि a पे पावर n डिवाइड बाई b पे पावर n इज इक्वल टू होता है a बाई बी पे पावर n। इसका मतलब 2 पे भी पावर 5 और 3 पे भी पावर 5, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2/3 पे पावर 5 और टोटल पे पावर आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, यहां आपका क्या हो जाएगा, 2/3 पे पावर क्या, 3। अब देखेंगे आप आगे, a टू दी पावर m और m होल पावर n है, इट मींस a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2/3 पे पावर क्या हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू 2/3 पे पावर क्या हो गया, 3। अब देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन में क्या आपका, दोनों का बेस सेम है, इट मींस पावर भी क्या हो जाएगा, सेम। आप यहां से लिख सकते हैं 5n इज इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3/5, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू फाइंड होगा 0.6,
0.6। जब आप 3/5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.6। अब हम क्या करेंगे, इस n के वैल्यू को यहां पुट करते चले जाएंगे। अब पुट करने के बाद देखेंगे मेरे पास क्या आता है। तो हम आप देखेंगे हम इधर इरेज कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है, n प्लस 0.4 डिवाइड बाई 1024 टू दी पावर माइनस एन। अब पावर निगेटिव है, सबसे पहले हम पावर पॉजिटिव बनाएंगे। अब आपको पता है कि a टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n बताए थे, और दूसरा ये बताए थे कि a बाई बी पे पावर अगर माइनस एन हो तो हम b बाई ए पे पावर क्या करते हैं, प्लस एन लिखते हैं। यानी ये a बाई बी पे पावर माइनस एन है, हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे, इट मीन्स रेसिप्रोकल कर देंगे। 1024 डिवाइड बाई n प्लस 0.4 पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे यहां 1024 डिवाइड बाई, अब n का वैल्यू कितना आया, तो अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/5, अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.6। इट मीन 0.6 प्लस 0.4 इस पे पावर कितना हो जाएगा, अब इस पे हम लिख देते हैं 3/5। अब आप ध्यान देंगे तो 1024 डिवाइड बाई 1 इस पे पावर 3/5। अब ये 3/5 है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1024 पे पावर 1/5 और होल पावर हम लिख दे सकते हैं क्यूब। अब 1024 पे पावर 1/5 और इसका क्या है पावर 3। अब 1024 को आप सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये किसका पावर 5 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 1024 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं वो 2 to the power 10 होता है। 2 टू द पावर कितना होता है, 10 होता है। इट मींस आप इसको अगर लिख सकते हैं तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे। हम इधर इरेज करते हैं, आप 1024 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 to the power 10 और इस पे पावर कितना 1/5 और टोटल पे पावर आपका कितना हो जाएगा 3। अब आप देखे थे कि हम नोट में एक केस लिखाए थे a to the power m, इस पे पावर अगर n हो फिर टोटल पे पावर p हो ... कुछ भी चला जाए तो a पे पावर m into n into p into ... रहेगा। अब यहां आप देख रहे हैं 2 to the power 10 होल पावर, फिर होल पावर है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 10 इंटू 1/5 इंटू 3 टू टाइम में। अब 2 to the power कितना हो जाएगा 6। अब 2 to the power 6 का वैल्यू आप लिखेंगे तो कितना होता है 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो 3 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। पर कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखने के, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 10 पे आप बात करते हैं, जैसे हम किसी भी एक नंबर की बात करते हैं, आप देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाएगा कि 180 को 240 को 420 को फैक्टराइज कीजिए यूनिक फैक्टराइज थ्योरम से, तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइज थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले आप फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज करने का क्या प्रोसेस है, हम इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से, उसके बाद उससे बड़ा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा, मतलब हम ऐसा नंबर से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे, तो 2 से करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 90, फिर 2 से आप करेंगे कितना होगा 45, फिर आप 3 से करेंगे कितना टाइम्स 15 टाइम्स, फिर 3 से आप इसको सॉल्व करेंगे कितना टाइम्स 5 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इसी लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यानी किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। यानी अब आप इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 3 to the power 2 × 5, यही होता है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं 240 को, तो 240 को आप फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 2 से कितना टाइम 120 टाइम्स, फिर 2 से आप सॉल्व करेंगे कितना टाइम्स 60 टाइम्स, 2 से सॉल्व करेंगे 30 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड होगा 3 से डिवाइड 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। अब आप 240 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके प्राइम
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। अब देखिए एक दो तीन चार, तो टू कितना टाइम्स है आपका, फोर टाइम्स, थ्री कितना टाइम्स है, वन टाइम्स, एंड वन टाइम्स फाइव। अब आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं टू टू दी पावर फोर इंटू थ्री टू दी पावर वन इंटू फाइव टू दी पावर वन, और पावर वन को हम जनरली नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम लोग, 420 को फैक्टराइज करते हैं। अब 2 से आप सॉल्व करेंगे तो 2 से कितना टाइम्स में, 210, 2 से 105। अब ये 2 से क्या होगा, नहीं डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 35 टाइम्स। अब 5 से कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, इट मींस 420 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए जो भी इसका नंबर है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये आपका था यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब आप यहां से ध्यान देंगे क्या होता है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इसमें बहुत काम देंगे। आप देखिएगा जैसे कोई भी नंबर है, सपोज दिया हुआ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब आपको नंबर है कि सेम नंबर को जितना टाइम्स आप प्रोडक्ट करेंगे, सेम नंबर को आप जितना टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे वो उसका उतना टाइम्स पावर रेज्ड कर जाएगा। इट मींस इसका पावर 1 था, जब 2 टाइम्स प्रोडक्ट किए तो इसका पावर 2 हो जाएगा। इट मींस एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। अब आप हमेशा याद रखिएगा जब भी पावर इधर से मतलब एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा, जब भी पावर एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस एक्स का पावर 2 है तो हम अगर x फाइंड करेंगे तो b टू दी पावर हो जाएगा 1/2। अगर यहां दिया रहा है सपोज x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू y, अब हम x को फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 1/3। अब 1/3 है तो क्या तो हम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको अगर रूट्स में लिखना है तो रूट वाई, और जितना भी पावर रहे 1 के नीचे उसको यहां लिखेंगे, मतलब पावर आप क्या लिख सकते हैं 3। हम इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ वाई, हम यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वाई। और स्क्वायर रूट ऑफ बी में, स्क्वायर रूट ऑफ बी में आप हमेशा याद रखेंगे कि स्क्वायर रूट में 2 छुपा हुआ होता है, इसलिए हम 2 को यहां क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है सपोज x टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू y, अब पावर कितना है 1/n है, इट मींस x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, y पे पावर n हो जाएगा, y पे पावर क्या हो जाएगा, n। जैसे सपोज आपके पास एक इक्वेशन दिया रहेगा इस फॉर्म में, इक्वेशन दिया रहेगा सपोज रूट अंडर x टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 2। अब कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जनरली बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं, तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर ये हो जाएगा 3। अब 2 पे पावर 3 का मतलब x को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स, इट मींस x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, रिमेंबर रखेंगे, इस चीज को आप क्या करेंगे, रिमेंबर रखेंगे। सपोज आपको दे देगा x टू द पावर a इक्वल टू 4, x टू द पावर a इज इक्वल टू 4, यहां से x का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर, यहां a है तो इधर आ जाएगा 1/a। अगर यहां p/q रहता, x टू द पावर p/q इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2 पे पावर, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इट मींस q / आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ये चीज जनरल टर्म है, एकदम इजी। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखें कि एक्स टू दी पावर समथिंग है और उधर में कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एक्स को हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखें। अब हम लोग कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का। तो देखेंगे हेडिंग देंगे हम लोग, अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग का होगा बेसिक रिजल्ट्स, बेसिक रिजल्ट अबाउट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। देखेंगे ये बेसिक रिजल्ट्स होता क्या है उसका। तो पहला है कि इफ a ग्रेटर देन जीरो, इफ a ग्रेटर देन जीरो
ए पे पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए पे पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप देखेंगे रियल नंबर क्या हो जाएगा, आप एक्स का कोई भी रियल नंबर लेंगे तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ए पे पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो आप देखेंगे हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एग्जांपल आप फर्स्ट देखेंगे, ए को हमको ग्रेटर देन जीरो लेना है, इट मीन हम ले लिए टू, और टू टू द पावर लिए एक थ्री, दूसरा टू टू द पावर माइनस थ्री, टू टू द पावर माइनस फाइव। अब आप देखेंगे टू टू दी पावर थ्री का मतलब टू को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, थ्री टाइम्स, इट मींस कितना आएगा आपका एट। सेकेंड है पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए वन डिवाइड बाई टू टू दी पावर थ्री करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वन बाई एट। अब वन बाई एट आएगा तो जब भी इसका वैल्यू आएगा वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। सपोज आप वन डिवाइड बाई टू पे पावर माइनस फाइव लिखे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई टू पे पावर क्या हो जाएगा फाइव, इट मीन्स वन बाई टू को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना फाइव टाइम्स, तो जब आप इसको फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा वन बाई थर्टी टू। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू जीरो से ग्रेटर आएगा, जीरो पॉइंट समथिंग ही आए बट जीरो से स्लाइड बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, वैल्यू और छोटा लेंगे मतलब इसका वैल्यू निगेटिव, कहने का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जीरो से छोटा होना चाहिए, निगेटिव की तरफ होना चाहिए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ए टू द पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू, आर का मतलब रियल नंबर, ये ई का ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर, अब आपको पता है रियल नंबर हम किसको बोलते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो, जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो हम उसको रियल बोलते हैं, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रूट में हो कुछ में भी हो, जैसे रूट अंडर फोर कहेगा या रूट अंडर फाइव बोलेगा ये रियल नंबर है या नहीं, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइव मेरे पास आया, मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आया, इसका मतलब ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। अब आप अगला देखेंगे, ये तो था पहला, अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड है इफ ए इज इक्वल टू जीरो, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इसका मतलब ए जब जीरो होगा तो एक्स का भी वैल्यू, ए पे पावर एक्स का वैल्यू भी जीरो होगा, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर कौन होता है, तो कोई भी जीरो पे पावर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन समथिंग, 1.3 1.4 1.5, कभी भी इसका वैल्यू क्या होगा जीरो, बट जब भी निगेटिव होगा तो वैल्यू चेंज कर जाएगा, ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, क्योंकि वन डिवाइड बाई जीरो पे पावर जब निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। अब 1 डिवाइड बाय 0 आपको पता है ये वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 0 का मतलब हम इसको डिफाइंड कर ही नहीं सकते। तो आप हमेशा ध्यान देखेंगे कि a का वैल्यू अगर 0 है तो a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 होगा, कब, एक कंडीशन में जब x जो होगा बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब जो है अगला जो केस है थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे If a less than zero, if a less than zero, तो a to the power x greater than zero भी हो सकता है, a to the power x less than भी zero हो सकता है। अब greater than zero कब होगा, less than zero कब होगा, तो ये totally depend करेगा x पे। If x is even number, if x is odd number, अब आप ध्यान देंगे जब x इवन होगा तो निगेटिव भी होगा तो a टू द पावर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे आप देख लीजिए a को हम ले लिए -2, a को लिया -2, अब -2 पे पावर हम सपोज 4 ले लिए,
अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस टू पे पावर फोर का मतलब माइनस टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब माइनस टू को जब आप फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इट मीन इसका वैल्यू आपके पास आएगा कितना 16। इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो जब आपके पास वैल्यू 16 आ जाएगा इट मीन ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो आप यहां से हमेशा ध्यान रखेंगे कि a लेस देन 0 उससे हमको मतलब नहीं है, a लेस देन 0 है। जब भी हम a टू द पावर x की बात करेंगे दो कंडीशन, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है लेस देन 0 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 कब होगा जब x क्या बिलोंग करेगा इवन नंबर। लेस देन 0 की बात करते हैं जैसे -2 पे पावर हम 5 ले लेते हैं, -2 पे पावर हम क्या ले लेते हैं 5, तो -2 लेस देन 0 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा -32, ये भी आपका क्या है लेस देन 0। तो यहां से मेरे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक से रिजल्ट में मेरे पास तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a टू द पावर x का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा क्या x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सेकंड केस ये आया कि a का वैल्यू 0 है तो a पे पावर x का वैल्यू 0 होगा कब जब x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव मतलब रियल नंबर हो लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर हो। थर्ड केस में मेरे पास ये दोनों केस आया। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे रूट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूट के बारे में कि अगर वैल्यू अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे नंबर सपोज दिया हुआ है अंडर रूट 64, इसका कितना वैल्यू होगा कितना रूट्स होगा हम इसको रूट्स बोलते हैं। स्क्वायर रूट्स हुआ, क्यूब रूट्स हुआ, फोर्थ रूट हुआ, यानी उसके nth वैल्यू को फाइंड करना। इट मींस जैसे 64 पे पावर 1/n दिया हुआ, इसका मतलब nth रूट ऑफ 64 फाइंड करना है हमको, nth रूट ऑफ 64। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।